नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बारापरसा में अनहर बिहार से ढहल घर सब पुनर्निर्माणक लेल सेना के रकम देवा केंद्र सरकार के निर्णय। सेना 1453 टा घर बनाओ। नया शैक्षिक सत्र संगे पुस्तक व्यवसायिक मनमानी। सप्तरी में विद्यार्थी से प्रदर्शन, दुकान में तालाबंदी। महतारीक बलवा के मदिरा निषेधित क्षेत्र बनेबाक अभियान शुरू। पहल चरण में सप्ताह में 2 दिन मदिरा निषेध। कार्यक स्थान में पूर्ण रूप में निषेध। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के इंजीनियर सब से सामूहिक राजीनामा। सेवा सुविधा के मांग पूरा करत, मांग पूरा नहीं उपरांत। अंडर 16 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट में नेपाल समूह ए के विजेता बन सफल, सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। आप समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार बारा आ परसा में विनाशकारी अनहर बिहार से ढहल घर से पुनर्निर्माण करबाक लेल सेना के रकम देबाक निर्णय केलक। बैसाख 5 आ 10 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार विनाशकारी अनहर बिहार से क्षतिग्रस्त 1453 घर सभक पुनर्निर्माण करबाक लेल 84,68,76,140 रुपया रकम सेना के उपलब्ध करेबाक निर्णय केलक। तेना सरकार बारा स्थित हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत मानमत कलैया मटियरवा सड़क के कलैया बाजार खंड के बस्ती क्षेत्र के विस्तार करबाक लेल बस्ती क्षेत्र के सड़क विस्तार करबाक लेल आवश्यक जमीन अधिग्रहण कर स्वीकृति प्रदान केलक। तहिना सरकार कतारक लेल नेपाली राजदूत रमेश प्रसाद कोइराला के फिरता बजेबाक निर्णय केलक। आर्थिक वर्ष 2076-77 से बजट निर्माणक लेल सातु प्रदेश में प्रदेश मंत्रालय गत बजट सूचना प्रयोग में अनबाक स्वीकृति देलक। बैसार नेपाल सरकार के चीन सरकार से प्राप्त होवला करीब 16,80,00,00,000 रकम सहायता स्वीकार करबाक, सिकटा सिंचाई आयोजना क्षतिग्रस्त खंड के मरम्मत तथा सुधार करबाक, उपराष्ट्रपति श्री नंद बहादुर पुन के ऑस्ट्रेलिया भ्रमण स्वीकृत सहित के निर्णय सब केलक। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नंबर 2 के जिला सब में नेतृत्व चयन प्रक्रिया के तीव्र बनौलक। महोतरी में भेल अधिवेशन से अध्यक्ष में नागेंद्र यादव चुनल गेल। तेना धनुषा में पशुपति यादव निर्वाचित भेल। तेना रौतहट जिला में अध्यक्ष के लिए धर्मेंद्र पटेल आ वीरेंद्र यादव अध्यक्षक प्रत्याशी देखल गेल। किछु दिन के बाद होबय लागल निर्वाचन से हुनका समय से एक गोटे अध्यक्ष में चयन हेबाक संघीय समाजवादी फोरम नेपालक मधेश प्रदेश समिति जनौलक। प्रदेश अधिवेशन यह शुक्र आ शनि दिन लहान में होबय लागल। सिरहा सप्तरी रौतहट लगायत के जिला में विवाद रहला से प्रदेश अधिवेशन बाद नेतृत्व तह लगाओल जाय। प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव आ फोरमक प्रदेश सचिव शेष नारायण यादव सहित 3 गोटे दावेदार रहल। एम्हर अधिकांश जिला में क्षेत्रीय अधिवेशन सब हो नहीं सकल। प्रत्येक जिला में 4 गोटे संसदीय क्षेत्र से आ 8 गोटे प्रादेशिक क्षेत्र से 8 गोटे प्रदेश अधिवेशनक प्रतिनिधि हेबाक प्रावधान रहल। नेता राम नारायण कापड़ जानकारी देलनि। पुस्तक व्यवसायी के मनमानिक विरोध करित सप्तरी में राजविराजक विद्यार्थी सब प्रदर्शन में उतरल। किछ पुस्तक व्यवसायी सब सिंडिकेट लगाकर राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण चौक में पुस्तक महल नामक दुकान मार्फत निजी विद्यालय के पुस्तक एकलौटी ढंग से बिक्री वितरण कर रहा विरोध में आक्रोशित विद्यार्थी सब बृहस्पति दिन प्रदर्शन आ तालाबंदी कलक। सिंडिकेट खारिज के मांग करित विभिन्न विद्यार्थी संगठन सबक अगुवाई में विद्यार्थी सब नगर में प्रदर्शन केनाई के संगे वे दुकान में तालाबंदी कलक। शिव मंदिर प्रांगण से नेकपा कांग्रेस फोरम राजपा लगायत के पार्टी निकट के विद्यार्थी संगठन सबके अगुवाई में निकल जुलूस पुस्तक में लगाओल गेल सिंडिकेट खारिज के मांग करित बाजार क्षेत्र परिक्रमा केने छल। जुलूस गजेंद्र चौक में पहुँचला के बाद विद्यार्थी सब दुकान में तालाबंदी केने छल। वही से पहले विद्यार्थी सब प्रशासन कार्यालय में 2 दिनक अल्टीमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझौने छल, मुदा कोनो कार्यवाही आगा नहीं बढ़ला के बाद बाध्य भ के विरोध में उतर पड़ल। राजस्वी के जिला अध्यक्ष दिलीप रजक बतौलने विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गृह व्यवसायी के 40-50% धरि कमीशन देलो पर वो सब एकलौटी क विद्यार्थी सबके 1 रुपया छूट नहीं दे के ब्रह्मलूट मचाब रहा स्थानीयवासी सबक आरोप है। ऐसा पहिने बुध दिन साँझ में सेहो आक्रोशित अभिभावक सब सिंडिकेट विरुद्ध दुकान आगा हो हल्ला कला के बाद स्थिति तनावग्रस्त बनल। टीपर आतंक रोक मांग करित सिरहा मिर्चिया के स्थानीयवासी सड़क अवरुद्ध कलक। ओ सब बृहस्पति दिन 8 बजे से करीब 3 घंटा मिर्चिया कटारी चौक में सड़क अवरुद्ध कलक। सिद्धिचरण राजमार्ग अंतर्गत मिर्चिया कटारी सड़क खंड में ओवरलोड क चलाब रहा टीपर रास्ता में गर्दा उड़ा कर वातावरण प्रदूषण केने स्थानीयवासी सबक आरोप है। सैकड़ों संख्या में हरेक दिन टीपर चलो पर सड़क में नियमित रूप में पानि सेहो नहीं छिटला से बाध्य भ सड़क अवरुद्ध केने स्थानीय संजीव यादव बतौलने।
तीव्र आतंक रोक सड़क में पानी छिटवा काज नहीं कला पर आंदोलन करवा को सब चेतावनी देने चलते मारुटी के पछाड़ी जाने सरमन रोड जल्दी चलते अई साल के लिए चल वाला बात करने चले तो तीन टाइम पानी छिटे वाला भोर में दोपहर में साँझ में सही में कटारी चौक से लगा छगड़िया तलिक मारुटी वाला के चौक से लगा फैक्ट्री तलिक ओकर सीट एग्रीमेंट चले कसमस वाला के कटारी चौक से आके बता दिली पता करा दिली ओकर सीटा के जमे के एग्रीमेंट करके गए लेवे लेकिन एको दिन कार्य नहीं मिले कुंतली पानी नहीं छिटे भोर में छिटे कि नहीं छिटे भोर में कहो कार्य दिन छिटे या भोर में छिटला से भयो त उदा उके 10 बजे भोर में छिटे भयो त मांग है कथि मात्र एदन पानी छिटे तलिक छिटके चलावे के कसे मात्र एदन एम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चया सीमेंट फैक्ट्री संग समन्वय क के समस्या समाधान करवाक प्रतिबद्धता जनौला के बाद अवरुद्ध सड़क सुचारू कैल गेल छ। मारुति सौर्य आकस्मत सीमेंट उद्योग के लेल चून पत्थर बोकवला दैनिक 1000 से बेसी टिपर ओहि सड़क खंड में दौड़ैत अछि। जन्मसिद्धि के संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देवल लगला के बाद देशभर के जिला प्रशासन कार्यालय में नागरिकता लेबा आवे वाला सबके भीड़ भाड़ लगैत अछि। ओहने भीड़ जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग के विराटनगर में समेत देख में अबैत अछि। मोरंग से शिवम मिश्रा के रिपोर्ट। वर्षों से नागरिकता नहीं पाब क अनागरिकक जीवन बिताब रहल जन्म सिद्ध नागरिकक संतान सब सर्वोच्च अदालतक फैसला संगे राहत पौने छे। ओ सब विलम्ब से किया नहीं खोक राज्य न्याय के ने कहत खुशी व्यक्त कर रहल छे। मुदा फेर कोनो समस्या आब सकबाक आशंका में ओ सब जल्दी से जल्दी नागरिकता लेब चाह रहल छे। त्या अखन देश भरक जिला प्रशासन कार्यालय सब में नागरिकता लेब आब वाला सबक चाप एकाएक बढ़ल छे। अत्यधिक भीड़ भेला से खुशी होत नागरिकता लेब आयल सेवाग्राही सब समस्या भोग बाध्य बनल छे। नागरिकता पैबाक आस में ओ सब दिन भर कड़ा रोद में लाइन लाग बाध्य छे। भिनसरे से लाइन लागलो पर कतेको सेवाग्राही बिना नागरिकता खाली हाथ घूर बाध्य बनल छे। अतबे मात्रे ने नागरिकता पावला सब सेहो समस्या भोग बाध्य भ रहल छे। हड़बड़ी के कारण किछ गोटे के त नागरिकता में विवरण गलत लिखा गेल छे। एना क नागरिकता के विवरण गलत भेला बाद अपना सब के बहुत समस्या भ रहल नागरिकता लेब आयल सब बताब रहल छे। कहिले बनाएको नगरी त तपाईले यो एक छ गते को कति नम्बर पठाइला हैन यो भन्दा नाम यो मात्र यो अल्टर या नाम अल्टर छ हजुर त्यो चाहिँ नि यो गर्नु पर्ने के सचेउनु पर्ने ए देखाउनुस् नागरिकता देखाउनुस् त नागरिकता मिस्टेक भएछ है नागरिकताको प्रतिलिपि नै नआएको के भयो तपाईँको भएको छैन घडी कुन कोठामा गयो सर हुनु न कहिले कुन कोठामा गयो सर हुनु न लास्टमा यहाँनिर लिन आउँदाखेरि नाम मिस्टेक गरिदिनु भयो उहाँले अनि नाम मिस्टेक भएपछि नाम होइन सरी मेरो डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ मिस्टेक गर्यो त्यसले गर्दा के समस्या तपाईँलाई त्यसले गर्दाखेरि मेरो कुनै पनि काम गर्दाखेरि डेटमै मिस्टेक छ भनेपछि त कहाँ काम हुन्छ त मेरो सर्टिफिकेटमा एउटा छ नागरिकतामा एउटा हुन्छ पासपोर्टमा एउटा पऱ्यो नि त यो किन भएको होला यसको के लाग्दैछ तपाईँलाई अब उहाँहरूको लापरवाहीले भएको केले भएको लापरवाही नै हो लापरवाही त हो नि नाम रोहित कुमार यादव कथी कर लेल छी नागरिकता बनाबे काज भए रहल छै निक सर भए रहल छै कोनो समस्या नै छै समस्या एम्हर जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग के सहायक सीडीओ चंद्रकला ओली चौलागाई सेवाग्राही विवरण गलत भरला से एना भ रहल कहि रहल छै नागरिकतामा चाहिँ मिस्टेक भन्नाले अब त्यो कहिले काहीँ चाहिँ त्यो सेवाग्राहीले अनुसूची भर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ मिस्टेक भरेकोले त्यही अनुसारको कार्डमा पनि मिस्टेक ल्याउँछ कोही कोही बेला चाहिँ अब धेरै भिडभाडमा काम गर्नुपर्दा त्यो टाइपिङ इररको कारणले गर्दा पनि मिस्टेक भएको हुनसक्छ अतबे मात्रै नै सेवाग्राही सब दिनभरि रोधमे नागरिकता लेबाक लेल लाइनमे बैसतियाल अछि। मुदा कर्मचारी सब खाजा खेबाक बहानामे 2 बजे जेबाक मुदा बेड़ियामे 4 बजे धरि सेहो नहि घुरलासँ बहुत काम प्रभावित होइत आयल छै। एहि विषयमे सहायक सीडीओ चौलागाए फाट में कर्मचारी नै देखला लगले ओ सब खाजा खायला गेल कह नै मिलबाक सेहो बताइ रहल छथि। कार्यालय के और काम में सेहो ओ सब जा सकबाक हुनक कथन छै। अपना सब 200 से 250 धरि नागरिकता दैत अयला से कर्मचारी काज नै केने कह नै मिलबाक हुनक तर्क छै। अब
चार बजे तो फाट में नदेखते फिर खाजे खाना गए पनि होइन होला हैन अरु फाट में अर्को शाखा में बसर अन्य काम मंत्रालय का परिपत्र जवाब अन्य काम हम इसी सेवाग्राही को बिगबिगी होताखेरि हैन यति को सेवाग्राही अनि खाजा खाना निस्केको भनेर निस्किन्छन् अब त्यहाँ मान्छेहरू आउँछ भनेर वेटिङ गरेर आउँछ तर आउँदैन कर्मचारी होइन गरिरहेको छ हामीले 2-2.5 सयसम्म 225-30-40-50 200-250 सयसम्म नागरिकता जारी गरेछ त्यो कामै गरेको छैन त भन्न अलिक मिल्दैन होला नि त सहायक सिडिओ चोला गाई अपना शब्दका तीव्र गतिमे देश भेडक कोनो प्रशासन कार्यालय नागरिकता नै दहल सेहो दावी कऽ रहल छथि नागरिकता लेबाक बाट खुजला बाद अखन जिला प्रशासन कार्यालय समय नागरिकता लेब आबय वाला सबक भीड़ बढ़ल छे मुदा सरकार सहज तरीका से नागरिकता नहीं देला से वर्षों से अनागरिक बनल पीढ़ी सब और पीड़ा भोग बाध्य अछि अपन टेलीविजनक लेल मोरंग से शिवम मिश्रा की रिपोर्ट महतारीक बलवा नगरपालिका के मदिरा निषेधित क्षेत्र बनेबाक अभियान शुरू कयल गेल अछि नगरपालिका पहिल चरण में सोम आ शुक्र दिन पूर्ण रूप में मंदिरा निषेध कलक तेना कार्य स्थान के परौलथान अगल बगल के 200 मीटर धर क्षेत्र में सब दिन के लेल पूर्ण रूप में मदिरा किन बेच में प्रतिबंध लगाओल गेल महतारी से दीपक पांडे के रिपोर्ट महतारी के बलवा नगरपालिका में सोम आ शुक्र दिन मदिरा पूर्ण रूप में निषेध कल गया है तहिना कार्य स्थानक 200 मीटर अगल बगल सब दिनक लेल मदिरा निषेध कयल गेल छै बलवा नगरपालिका वड़ा नंबर 3 स्थित धार्मिक स्थल परोल के धार्मिक पर्यटक स्थलक रूप में विकास कर सप्ताह में 2 दिन मदिरा निषेध कयल गेल छै बलवा नगरपालिका के दोसर नगर सभा के निर्णय बमोजिम ई निर्णय कार्यान्वयन में आनल गेल छै पहिले को वातावरण में सामाजिक विकृति भइ रहल छ अब मदिरा खाएर आफूलाई पनि चिन्ने अवस्था रहदैन समाजलाई पनि बिगार्ने काम हुन्छ पवित्र स्थललाई व्यवस्थित गर्नको लागि समाजलाई सुधार्नको लागि स्थानीय बलवा नगरपालिका स्थानीय सरकारले यो निर्णय गरेर अगाडि बढेको छ अब यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको कठिनाई आउँछ नगरपालिकाकै निर्णय विरुद्ध स्थानीय मदिरा व्यवसायी सब सड़क में टायर बाड़ के विरोध जनौलों पर जनभावना आ धार्मिक स्थल के महत्व के और बढ़ावा गंभीर चिंतनक साथ ई निर्णय कल गेल मेयर विनोद यादवक कथन है अब निर्णय लागू गर्दाखेरि धेरै किसिमको कठिनाई आउन स्वाभाविक यसलाई मैले स्वाभाविक रूप में हिँडिरहेको छु अब दिन प्रतिदिन त्यो स्थिति दुर्बल भएर जान्छ जुन निर्णय भएछ त्यो निर्णय अनुसार हामीहरू कायम गर्नको लागि सम्पूर्ण हाम्रो पदाधिकारी हामीहरू एकमतको साथ परिषदले जुन कुरा पास गरेको छु त्यो कुराको लागू गर्नको लागि हामीहरू सबै प्रतिबद्ध भएर त्यो काममा हामीहरू लागेको छु त्यो निर्णय लागू हुन्छ अब त्यसको लागि नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई अरु काम लाई कम महत्व दिएर यो कामलाई हामीहरूले बढी महत्व दिएर यो काम लागू गर्ने छु बलवा नगरपालिका स्थित ऐतिहासिक आ प्रसिद्ध कारिक बाबा के स्थान में हरेक सोम आ शुक्र के दिन नेपाल आ भारतक विभिन्न स्थान से हजारों दर्शनार्थी आबि रहल आ ओहि स्थान में निर्बाध रूप में संचालन में रहल मदिरा दुकान सब से श्रद्धालु सब के कष्ट होइत आयल अछि ओतबे नहि मदिरा किनबेच सँ ओहि स्थानक बदनामी होइत अयलासँ समेत पालिका भैरक सब वड़ामे ई 2 दिन मदिरा बिक्री वितरणमे रोक लगाओल गेल छै तहिना आओर पालिकासँ समेत मदिरा सेवन कऽ कऽ आबयवला सबके जरिमानाके निर्णय कयल गेल छै बलवा नगरपालिकाके धीरे धीरे पूर्ण रूपमे मदिरा निषेधित बनाकऽ मन्दिरक सौन्दर्यीकरण आओर विभिन्न भौतिक पूर्वाधारक निर्माण कऽ कऽ आकर्षक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करबाक योजना रहल मेयर यादवक कथन अछि समाज कसरी सुरक्षित हुन्छ समाज में जो विकृति छ त्यो कसरी अंत हुन्छ यो निर्णय तपाईहरुको लागि निर्णय हो यो कुनै व्यक्ति विशेष को निर्णय होइन यो कुनै पार्टी विशेष को लागि निर्णय भएको छैन यो कुनै जात विशेष को लागि निर्णय भएको छैन आम नागरिक को हक हितमा निर्णय भएको छ आम नागरिक
यो निर्णयले 90% जनता खुसी छ न जनप्रतिनिधिले धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ त्यसमा हामीहरू सहयोग गर्छु त्यो मानसिकतामा छ सहयोग गरी पनि रहेछ यो निर्णयलाई विभिन्न ठाउँमा चुपचोडामा सबै पक्षबाट यो राम्रो काम हो यो काम पहिला हुनुपर्ने थियो अहिले ढिलो भए पनि यो राम्रो काम गरेछ यसको लागि सबै ठाउँबाट जुन किसिमको हामीहरूले सहयोग पाइरहेछु यो राम्रो विषय हो ओ अखन मदिरा निषेधक लेल कयल गेल निर्णय कारण बहुत चुनौतीपूर्ण रहलो पर करीब 90% जनता के भावना के कदर करैत अपना सबसे एहन निर्णय लेव पड़ल आ निर्णय में अटल रहल सेहो बताय रहल छथि महोत्तरी में मदिरा निषेधित के निर्णय तथा कार्यान्वयनक हक में बलवा नगरपालिका पहिल रहल अछि मदिरा निषेध कर नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के समेत भरपूर सहयोग लेल जा रहल छै अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे के रिपोर्ट प्रदेश नंबर 2 के 4 जिला मलेरिया के मलेरिया रोग के उच्च आ मध्यम जोखिम में रहल अछि विश्व मलेरिया दिवस के संदर्भ में बृहस्पति दिन धनसाक लक्ष्मीनिया गांव पालिका सफी स्थित प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत के स्वास्थ्य निर्देशनालय उत्तव का पत्रकार सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में 12 सरलाही धनुषा आ सप्तरी जोखिम में रहल जानकारी कराओल गेल अछि ईश्वरपुर पालिका को नगरपालिका को एक र दुई नंबर वडा मध्यम स्तर में यसरी चाहिए चार वडा जिला का यी वडाहरुमा चाहिए हाई रिस्क र मोडरेट रिस्क में रहेको छ चार कैटेगोरी में विभाजन गरेको छ क्षेत्रहरुलाई मलेरिया को लागि त्यसमा चाहिए हाम्रो प्रदेश में चार वडा जिल्लाहरुमा चाहिए उच्च तथा मध्यम जोखिम चाहिए देखाएको छ चार वडा जिल्ला जस्तै चाहिए 12 जिल्ला को जितपुर सिमरा नगरपालिका को 6 नंबर वडालाई चाहिँ मध्यम स्तर को जोखिम में रहेको छ मलेरिया को लागि त्यो भनेको छ त्यस्तै धनुषा को गणेश मान चारनाथ नगरपालिका को 1, 3, 9 नंबर वडा है र मिथिला नगरपालिका को 3, 4, 11 नंबर वडा यो चाहिँ नि उच्च जोखिम में रहेको यो 6 वडा भयो नि मिथिलाको 3 वडा र गणेशनाथ नगरपालिकाको 3 गरेर 6 चाहिँ नि कडा भनौँ न उच्च जोखिममा रहेको हाई रिस्कमा यस्तै चाहिँ नि गणेशनाथकै चाहिँ नि 6 नम्बर वडा र सबैलाको 3 नम्बर वडा चाहिँ नि मध्यम जोखिममा रहेको पाइएको छ है यो सर्वेबाट आएको कुरा हो लेटेस्ट सर्वेबाट त धनुषाको चाहिँ नि कतिको कुरामा यसमा चाहिँ नि यसलाई सर्वेलाई गरेर निर्देशनालय के वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा के अनुसार धनसा गणेश मान चारनाथ नगर पालिका वडा नंबर 1, 3, 9 तथा मिथिला नगर पालिका वडा नंबर 3, 4, 11 मलेरिया के रोग के उच्च जोखिम में तहिना धनसा के गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 आ सबैला नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 मध्य जोखिम में रहल अछि तहिना बारा के जितपुर सिमरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 सरलाही के ईश्वरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 आ 2 तहिना सप्तरी के बोधे बरसाइन नगरपालिका वार्ड नंबर 2 सप्तकोशी नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 तथा सुरंगा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 मध्य जोखिम में रहल अछि र 22, 23, 24, 25 सम्म मा त्यसलाई चाहिँ नि 0 मा राखी राख्ने र 25 मा गएर चाहिँ नि यो मुक्त भयो नेपाल भन्ने चाहिँ नि एउटा बृहत्तर लक्ष्य लिएर चाहिँ नि नेपाल मलेरिया स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम छ रणनीतिगत प्रोग्राम छ यो 14 लिएर 25 सम्मको त्यसैको तहत चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यसको बारेमा जानकारीहरू व्यापक रूपमा फैलाउने जनचेतना फैलाउने अनि यो चाहिँ नि लामखुट्टेबाट हुने रोग हो यो हामी तपाईँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स फाल्सिपेरम लगायतका चाहिँ नि परजीवीबाट यो रोग हुन्छ र यो सार्ने काम एनोफिलिज फिमेल भनौँ न चाहिँ नि बाँकी 4 जिल्ला प्रसारोथट महोत्तरी आ सिरहा न्यून जोखिम आ जोखिम रहित रहल बताओल गेल अछि मलेरिया रोग के विषय में बृहत परामर्श क के ई दिवस मनाओल गेल अछि निर्देशनालय के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव मलेरिया रोग के विषय में संचार कर्मी सभक माध्यम से समाज में सचेतना जगाव कार्यक्रम कयल गेल धारणा रखने छौ भने जीव कामने हुन्छ र त्यस्तो ज्वरो आयो भने हामीले स्वास्थ्य संस्थामा गएर यसको औषधि पनि निशुल्क छ जाँच पनि निशुल्क छ र केही कुराहरू
तपाईले तुरन्तै त्यो स्वास्थ्य संस्थामा डाइरेक्ट ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट भन्छ त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ तुरन्तै त्यो र औषधि पनि पाइन्छ र निको हुन्छ र अहिले फ्यालसिपारम केस जुन सिभियर मलेरियाको एउटा फर्म त्यो पनि देख्नु अलि चिन्ताको विषय हामी लकी छौँ कि हामी न्यून क्षेत्रमा छौँ जनकपुर एरिया तर त्यही पनि हाम्रै प्रदेशको अरू भागहरू जहाँ उच्च जोखिम छ त्यहाँ यहाँहरूको पत्रकारजीहरूको एउटा ठुलो रोल रहनेछ र यसमा एडभोकेसी कम्युनिकेसन र सोसल मोबिलाइजेसन यसमा तपाईँहरूबाट सहयोग आएकै छ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूबाट सहयोग आउने अपेक्षा गर्दछु। बुखार लग्लाके बाद मलेरिया रोग लागल कि नै लागल विषयमा स्वास्थ्य चौकी समय निःशुल्क इलाज हेबाक आ रोगके इलाज समेत निःशुल्क भ रहल हुनका सबके कहब छलनि। एक दिन छोड़िकऽ बुखार लगलाके बाद आ बुखार लागल समय शरीर काप लगलाके बाद सेहो मलेरियाके लक्षण भ सकबाक डॉक्टर यादवके कहब छलनि। कार्यक्रममे मन्त्रालयके प्रतिनिधि धनसा करीब 20 गोटे पत्रकार सभक उपस्थिति छ। जनकपुर धामक जीरो माइलमे बृहस्पति दिन वृहत सरसफाई कयल गेल अछि। सूर्य कल्याण समिति सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जीरो माइल प्रहरी चौकी आ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनसाक सामूहिक सक्रियता आ सहभागितामे जीरो माइल स्थित बस पार्क सड़क नया बस पार्क जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनसाक कार्यालय के लगपास सहित स्थान समय सरसफाई कयल गेल अछि। सरसफाई कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सहित सूर्य कल्याण समिति पदाधिकारी आ समुदाय के व्यक्ति लोकनि सफाई अभियानी लोकनि वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सहित सबके सहभागिता छलनि। प्रहरी विभिन्न संघ संस्था सभक अगुवाई में सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम के आगा बढ़ावित जा रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के इंजीनियर सब से सामूहिक राजीनामा सुब्बा सुविधा सहित के मांग पूरा नहीं भेल उपराग। श्रीलंका में बृहस्पति दिन फेर विस्फोट सामान्य क्षति अखन देर के विस्फोट से मृतक के संख्या 360 पहुंचल। अंडर 16 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट में नेपाल समूह ए के विजेता बन सफल सेमीफाइनल में प्रवेश। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरणक इंजीनियर सब सामूहिक रूप में राजीनामा दिलक अछि। भूकंप बाद के पुनर्निर्माण में जुटल इंजीनियर सब भत्ता लगात के सेवा सुविधा उपलब्ध कराओल जेबाक अपना सबक मांग सरकार सुनवाई नहीं केने कहित सामूहिक राजीनामा देने घोषणा कलक अछि। 4 वर्ष पहले विनाशकारी भूकंप के स्मृति में बृहस्पति दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रम भ रहल समय पुनर्निर्माण में जुटल इंजीनियर सब काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कक सामूहिक राजीनामा देने घोषणा कलक अछि। भत्ता लगायत के सेवा सुविधा उपलब्ध कराओल जेबाक मांग 9 महीना धरि सरकार सुनवाई नहीं कलाके बाद 32 जिला में पुनर्निर्माण में जुटल इंजीनियर सब सामूहिक रूप में राजीनामा देव बाध्य होबय पड़ल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रीय हकित संरक्षण समिति के अध्यक्ष अविनाश अमर जानकारी दिए। सरकारले 9 लाख लाभग्राहीहरू पक्कै पनि चुप बस्नुहुन्न, अचुप लागेर बस्नुहुन्न, उहाँहरूलाई हामी पक्कै पनि चाहिन्छ। जुन तरिकाले हामी स्थानीय तहमा गएर उहाँहरूको पिरलाई त्यति बेला 4 वर्ष अगाडिको क्षण जुन थियो त्यसलाई हामीले कतै न कतै मलम लगाउने जुन प्रयास गऱ्यौँ त्यो प्रयासबाट उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सम्भवतः हामीले फर्काउन चुप लागेर बस्नुहुन्न, उहाँहरूले पक्कै पनि केही न केही गर्नुहुन्छ। ती सिंहदरबारका भित्ताहरू बलिया होलान् तर जनताका आवाज त्योभन्दा बढी बलिया छन्। त्यसले जेसुकै पनि जस्तो पनि आँधी हुरी ल्याउन सक्छ देशमा। हामी चाहन्छौँ हाम्रा शब्दहरू हाम्रा भावनाहरू बुझी सरकारले हामीलाई कसरी हुन्छ। प्राधिकरणक इंजीनियर लोकनि बीतल 9 महीना एम्हर कटौती केने भत्ता लगायत के सेवा सुविधा उपलब्ध कराबऽ सरकारसँग माग करैत आन्दोलन करैत आयल अछि। मुदा एकर सुनवाई नहि भेलाके बाद बाध्य भऽ कऽ राजीनामा देबऽ पड़ल समितिक अध्यक्ष अमरके कहब छलनि। समिति अपनासभक माग सरकार सम्बोधन कयलापर पुनर्निर्माण काजमे फेरसँ घुरबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलक अछि। भत्ता लगायतके सेवा सुविधा उपलब्ध कराबऽ माग करैत पुनर्निर्माणमे खटल करीब 1500 इंजीनियरसभ बीतल फागुन 25 गतेसँ आन्दोलन शुरू कयने छल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तोकल गेल समय भीतर पुनर्निर्माणके काज सम्पन्न कर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरणके निर्देशन देने छु। प्रधानमन्त्री ओली बाँकी रहल 20 महीना भीतर सब काज सम्पन्न करैत पुनर्निर्माणके काज सम्पन्न हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ भूकम्पीय जोखिमसँ निराश नहि होबय सेहो सर्वसाधारणके अपील कयलनि अछि।
चार वर्ष पहिने गेल विनाशकारी भूकंप के स्मृति में काठमांडू के बसंतपुर में बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली देश भूकंपीय जोखिम में रहला से एकर असर से बच भूकंप प्रतिरोधी घर निर्माण करबाक लेल सरकार आवश्यक सब किसिम के सहयोग कर रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। भूकंपीय क्षेत्र हो भनेर हामी निराश भएर बस्ने होइन, भूकंपीय क्षेत्र हो तर यस भूकंपीय क्षेत्रलाई भूकंपबाट केही पनि नहुने गरी का संरचनाहरू निर्माण गर्ने। अब हामी अघि नै साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, अहिलेको प्राधिकरणको कार्यकाल करिब 20 महिना छ, 20 महिना यसभित्र कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली पुरान सम्पदा सबक संरक्षण करैत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाक पुरातात्विक महत्व के सम्पदा भेल बस्ती सबक पुनर्निर्माण के लेल गृह योजना सेहो तय कयल गेल जानकारी देने छलनि। प्राधिकरण विश्व में उदाहरणीय काम करैत पुनर्निर्माण काज तोकल गेल समय सम्पन्न करबाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गयाली प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो तिनवटा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर साँखु बुङमती र खोकनाको गुरुजना बनाएर काम अगाडि बढ्दैछ, अहिले एउटा गति पक्रदैछ। अस्ति म साँखु गएर चाहिँ हेर्दै गर्दा त्यहाँ स्थानीय सरकार चाहिँ त्यसमा संलग्न भएको छ, त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको घर बनाउने कुराको निम्ति काजके तीव्रता दैत आवश्यक योजना आ बजेट तय कयल गेल सेहो जनौलकै छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण के बाँकी काज थोकल गेल समय भीतर सम्पन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। गोरखाक बारपाक के केन्द्रबिन्दु बनाकर 4 वर्ष पहिने गेल विनाशकारी भूकंप के स्मृति में बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरणक सचिव अर्जुन कुमार कार्की पुनर्निर्माण के बाँकी काज थोकल गेल समय भीतर सम्पन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। ओ किछ सम्पदाक पुनर्निर्माण के काज बाँकी रहि सकबाक छ स्पष्ट कयलनि। अगिलका 20 महिना भीतर पुनर्निर्माण के काज सम्पन्न कर चुकबाक प्राधिकरण के लक्ष्य छ। प्राधिकरण के सचिव कार्की पुनर्निर्माण के काज में नेपाली समाज देखाउने सक्रियता के सेहो प्रशंसा कयने छलनि। प्रगति के रहेको छ भन्ने कुरा आज पुनर्निर्माणमा हामी पूरा गर्ने छौं, हामीलाई विश्वास छ 20 महिना भित्रमा पुनर्निर्माणका कामहरू बाँकी रहेर छैनन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सचिव कार्की करिब 4 लाख निजी आवास पुनर्निर्माण के काज सम्पन्न भेल आ 3 लाख से बेसी पुनर्निर्माण के काज अंतिम चरण में रहल सेहो जानकारी देने छलनि। वर्तमान सरकार भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के काज के तीव्रता के संग आगा बढ़ौने सचिव कार्की के कहब छलनि। ओ धरहरा रानी पोखर लगायत के सम्पदा सबक पुनर्निर्माण के काज सेहो गति लेबाक विश्वास व्यक्त कयने छलखिन। काठमांडू के खुला मंच अतिक्रमण के विरोध में आंदोलन शुरू कयल गेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका के मिलीभगत में खुला मंच अतिक्रमण कयल गेलाक बाद ओहि के विरोध में स्थानीय वासी आ संप्रदाय प्रेमी सब आंदोलन शुरू कयलक अछि। बृहस्पति दिन खुला मंच में विरोध प्रदर्शन में उतरल सब ओहिठाम बनाउने सटर सब सेहो बन्द गर्ने छल। खुला मञ्च खुला गर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग माग गरेको सब अपना सभाक माग तत्काल सम्बोधन नै भेला पर महानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलन गर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलकै छ। खुला मञ्च अतिक्रमण भेलो पर काठमाडौँ महानगरपालिका व्यवस्था वास्ता नै केलाके बाद ओहिके विरोधमे स्थानीय अपने आन्दोलनमे आवऽ पड़ल। असनके योगेश कुमार खड्की बतौलनि। जनता स्वस्फूर्ति यहाँ जम्मा भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि वास्तवमा जनता आउन नपर्ने गरी जनतालाई चुनेर पठाएपछि ती नेतृत्वले यस्ता अतिक्रमणहरूलाई रोक्न उहाँहरू आफै नेतृत्व लिनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू आज उपस्थित नदेख्दाखेरि हामीले जनप्रतिनिधि होइन कि अब कसलाई चुन्ने भन्ने कुरा आजको यो भेलाले देखिरहेको छ। कङ्ग्रेस नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 सांसद भीमसेन दास प्रधान सहितको उपस्थितिमा भेल विरोध प्रदर्शनमा खुला क्षेत्र अतिक्रमण गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका खुला मञ्चमा बस पार्क आ सटर सञ्चालन गरेर अनुमति दिने कहित आक्रोश व्यक्त गर्न छलनि। काठमाडौँ महानगरपालिका ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई खुल्ला मञ्च अतिक्रमण कऽ कऽ सटर बनाके व्यापारी सबके भाडामे देलाके बाद स्थानीय आ सम्प्रदाय प्रेमी सब अभियान शुरू कयलक अछि। काठमाडौँके सबसँ बड़का खुला क्षेत्र खुला मञ्चमे एखन बस पार्क
संचालन भ रहल छे। अपन न्यूज में फेर सके छे व्यवसायिक विश्राम। विश्रामक बाद श्रीलंका में बृहस्पति दिन फेर विस्फोट सामान्य क्षति, एखन धरि के विस्फोट से मृतक के संख्या 360 पहुंचल। अंडर 16 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट में नेपाल समूह एक विजेता बन सफल, सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अपने बाकी समाचार, गृहमंत्री रामबहादुर थापा विप्लव समूह के राजनीतिक मूलधार में अनबाक प्रयास भ रहल धारणा रख लेने। प्रदेश नंबर एक के सुरक्षा गोष्ठी में सहभागी होब। बृहस्पति दिन विराटनगर पहुंचल मंत्री थापा, संचारकर्मी सब संग बातचीत करते, विप्लव लगायत सब असंतुष्ट पक्ष के राजनीतिक मूलधार में आनकर अगाड़ी बढ़ सरकार वार्ता आह्वान करने बतौलन। सरकार वार्ता संवाद से समस्या के समाधान चाहने आ विखंडनकारी समूह के सेहो मूलधार में आन चुकल अवस्था में विप्लव समूह के वार्ता में आने के विकल्प नहीं रहल हुनक कहब छलन। यो बीचमा विगतमा उनीहरू जुन हिंसात्मक गतिविधिहरू, कानुन विरोधी गतिविधिहरू गर्दै आएको थिए त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अहिले सरकारले अहिले अलि उच्च स्तरमा चाहिँ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। साथसाथै उनीहरूलाई हामीले एउटा मूलधारको माध्यमबाट चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ राख्नु। मन्त्री थापा विप्लव समूह विध्वंसकारी गतिविधिका लागि कारणले सरकार नियन्त्रण गरिरहल बताउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्बाक छुट सबके भेल कहित, जनता के अधिकार आ शांति सुरक्षा में अवरोध करबाक छूट केकरो नहीं रहल ओ चेतावनी देने छलन। दोसर प्रसंग में ओ पार्टी एकता के विषय विधि सम्मत रूप में समाधान भेलो पर किछ असंतुष्टि देखल गेल कहित, ओकरा सभक समस्या वार्ता आ परामर्श से समाधान होबाक बतौलन। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सांसद सब निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष के लिए बजट मांग कैल गेल पर असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संघ आ प्रदेशक सांसद सब अगिलका आर्थिक वर्षक बजट में सेहो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष के लिए 4 करोड़ धरि के बजट मांग के राय से संघीयता विरोधी भेल कहित विरोध जनौलने। बृहस्पति दिन संघीय संसदक राष्ट्रीय सरकार तथा समन्वय समिति से काठमांडू में कैल गेल कार्यक्रम में ओ स्थानीय तह आ प्रदेश में सेहो जनप्रतिनिधि सब रहला से आप सांसद सब निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष के लिए बजट मांग कर नहीं मिलबाक धारणा रखने छलन। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सांसद सब अपना खुशी खर्च कर बजट मांग कला पर ऐस संघीयता के मजबूत नहीं भक कमजोर बनेबाक अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के तर्क है। प्रदेश सरकार छ, सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू छ, जनताप्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा प्रदेश स्थानीय सरकार के आर्थिक अधिकार सहित कानून निर्माण आ कार्यान्वयन के तहमे संघीय सरकार के सचेत कराव सेहो संसदीय समिति सभक ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के दृष्टिकोण से सेहो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकास कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। आयोग के अध्यक्ष अनुप राज शर्मा मानवाधिकार के दृष्टिकोण से सेहो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकास कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। बृहस्पति दिन नेपाल विश्व संबंध परिषद ललितपुर में कैने कार्यक्रम में ओ मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकास कर सरकार कोनो प्रयास कर नहीं सकल कहित असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि। नेपाल में भूटानी शरणार्थी तिब्बती शरणार्थी के समस्या रहल पर ई समस्या समाधानक लेल सरकार कोनो प्रयास कर नहीं सकल अध्यक्ष शर्मा के कहब छलनि। पहिले बदलिंदो देशो परिस्थिति समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति विशेष स्थान दिदै मुलुकले अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तार गर्दै लानु पर्दछ। हाम्रा मुलुकका संबंध मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भएको त्यति पाइन्न। हामीले डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्दाखेरि अध्यक्ष शर्मा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विस्तार कर मानव अधिकार के प्रत्याभूति कराब हरेक राष्ट्र अग्रसर होब आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। महानगरीय प्रहरी वृत्त काली माटी नशीला पदार्थ सहित एक गोटे के पकड़लक। प्रहरी बृहस्पति दिन कीर्तिपुर रहनिहार 12 पतर हट्टा गाँव पालिका 2 के प्रिंस कुमार सिंह के कलंकी चौक से पकड़लक। पुलिस सिंह के संग से नशीला पदार्थ नाइट्रोवेट 150 टैबलेट बरामद कलक। पुलिस सिंह के नियंत्रण में लगा और अनुसंधान कर रहा है। अब इंटरनेशनल न्यूज। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से पूर्व देश के बाहरी इलाका में बृहस्पति दिन फिर से बम विस्फोट हुआ है। बृहस्पति दिन भेल बम आक्रमण से कोनो मानवीय क्षति के खबर प्राप्त नहीं भेल पुलिस जनौलक। बीतल रवि दिन 3 होटल आ 3 गिरजाघर चर्च में भेल श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में मृत्यु भेनिहार के संख्या बृहस्पति दिन दोपहर धरि 360 पहुँच गए। विस्फोट से करीब 5 व्यक्ति घायल भेल, इलाज भ रहल आ घायल में से और किछ व्यक्ति के अवस्था गंभीर रहल। विस्फोट के जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट समूह लेने है। मुदा सरकार श्रीलंका में सामान्य सक्रिय समूह नेशनल तौहीद जमातक संलग्नता के आशंका कलक। समूह के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह मदद के ने भ सकबाक
श्रीलंका सरकार के अनुमान है। उत्तरी चीन के हुबे प्रांत में बृहस्पति दिन भेल दुर्घटना में पड़ के 11 गोटे कामदार के मृत्यु भेल और 2 गोटे गंभीर घायल भेल। स्थानीय अधिकारी सब जानकारी दिलक निर्माण काज में प्रयोग भ रहल इलिवेटर टूटला से मजदूर सब हताहत भेल। हेंगसई शहर के आचेंग जिला में बृहस्पति दिन दुर्घटना भेल। आब स्पोर्ट्स न्यूज थाईलैंड में जारी एसीसी अंडर 16 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट में समूह ए के विजेता बनित नेपाल सेमीफाइनल में प्रवेश कलक। घरेलू थाईलैंड विरुद्ध के खेल वर्षा से रद्द भक अंक बटलो पर नेपाल अंक तालिका के शीर्ष स्थान में रहा। थाईलैंड के चिंग माई में भेल खेल में नेपाल टॉस जीत के बैटिंग केने छल। 35 ओवर में छुटियाल गेल खेल में नेपाल 7 विकेट के क्षति में 234 रन के स्कोर खार केने छल। नेपाल के लिए आशय भट्टराय 9 चौका सहित सर्वाधिक 58 रन बनौने छलन। तहिना कप्तान विशाल विक्रम केसी 31 बॉल में 3 रन आ दीपक बोहरा 36 बॉल में 5 चौका आ 1 छक्का सहित 35 रन बनौने छलन। जवाफी बैटिंग में उतरल थाईलैंड खाता खोल से पहले ही 1 विकेट गौमौने छल, मुदा एकर 1 ओवर 5 बॉल खेल के बाद 0 रन के स्थिति में वर्षा के कारण खेल अवरुद्ध भ गेल छल। लंबा समय वर्षा नहीं रुकला के बाद अंपायर खेल रद्द भेल घोषणा केने छल, जाहि से नेपाल के थाईलैंड संग 1-1 अंक बाँटऽ पड़ल छल। यद्यपि नेपाल खेल में 3 खेल में 5 अंक संग समूह ए के शीर्ष स्थान में रहकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर, बारापरसा में अन्हर बिहार से बढ़ल ढहल घर सब पुनर्निर्माण करवाक लेल सेना के रकम देवा केंद्र सरकार के निर्णय। सेना 1453 घर बनाओ। नया शैक्षिक सत्र संगे पुस्तक व्यवसायी के मनमानी। सप्तरी में विद्यार्थी सब प्रदर्शन दुकान में तालाबंदी। महतारी के बलवा के मदिरा निषेधित क्षेत्र बनेबाक अभियान शुरू। पहल चरण में सप्ताह में 2 दिन मदिरा निषेध कार्य स्थान में पूर्ण रूप में निषेध। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के इंजीनियर सब सामूहिक राजीनामा। सुबह सेवा सुविधा सहित के मांग पूरा नहीं भेल उपराग। अंडर 16 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट में नेपाल समूह ए के विजेता बन सफल सेमीफाइनल में खेल प्रवेश। अपन न्यूज एखन के लिए लेते पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।